हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैंने पापड़ की सब्ज़ी आपके साथ रेसिपी की है शेयर, तो प्लीज़ देखिएगा कैसे क्या किया है मैंने। तो ये मैंने पापड़ ले लिए हैं और ये सूखे मसाले हैं। पापड़ की सब्ज़ी में हम सूखे मसाले डालते हैं तो वो जल जाते हैं, तो पानी का मसाला बनाकर डालेंगे। तो ये मैंने नमक लिया है, रेड चिली ली है, आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हो। तो रेड चिली और ये हल्दी, तो बस मैंने मसाले बना लिए हैं। और इसमें थोड़ा सा हम धनिया डाल देंगे और इसमें पानी डाल देंगे। मसाले में सूखा मसाला डालने से मतलब मसाला जल जाता है, तो हम पानी से इसको बनाएंगे, सब्ज़ी से बहुत ही अच्छी बनती है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। पापड़ की सब्ज़ी में ज़्यादा तेल भी नहीं यूज होता है, कम ही यूज होता है, तो खाने के लिए बहुत अच्छी सब्ज़ी होती है ये और आसानी से बन जाती है। हम कहीं गए हुए हों तो हम झट ये झटपट सब्ज़ी बनने वाली है, कुछ भी टाइम नहीं लगता। तो ये मैंने जो पापड़ लिए थे मैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर रख लूँगी और इस तेल में डाल दूँगी मैं तेल गर्म होने के बाद। तो देखिए तेल गर्म हो चुका है, पापड़ इसमें डाल दिए हैं। अस पापड़ इसमें हम अच्छी तरह से तेल में सेकेंगे, देखिए कैसे सेके जाते हैं ये पापड़। जब भी मन हो 5 मिनट में बनने वाली सब्ज़ी है ये, आप बना कर ज़रूर देखना। तो बस हमको अच्छे से सेक लेंगे, कच्चा नहीं रखना है किधर भी, इसको फ्राई भी नहीं करना है, कच्चा भी नहीं रखना है। तो देखिए आप ये ऐसे ही आपको सेकना है और बनाना है, झटपट बनती है। तो देखिए ऐसे सिक गए हैं पापड़। अब जो मसाला हमने पानी में घोल के रखा था ये मसाला हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए इसमें डाल देंगे, और भी पानी इसमें डलेगा तो हम और पानी डाल देंगे इसमें। तो ज़रूर बना के देखिए, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और शेयर और कमेंट कीजिएगा। पानी आप ज़्यादा नहीं डालो, जिस जितना सब्जी में डलता है उतना ही उसमें पानी डालो आप। बस अब हम इसको ढक कर रख देंगे, एक उबाल आते ही सब्जी रेडी हो जाएगी। तो देखो एक उबाल आ चुका है और सब्जी रेडी है, बड़े अच्छे से पक गई है सब्जी। देखिए आपका मन हो इसमें तो और धनिया डाल दो, नहीं तो धनिया में मसाले में डाल दिया था, और आपका मन हो डालने का तो डालो। इसमें थोड़ा सा हम गरम मसाला डाल देंगे, गरम मसाला से थोड़ा सा अलग टेस्ट हो जाता है। तो ये मैंने गरम मसाला काट के इस डिब्बे में रखा हुआ है, तो मैं ये डाल दूँगी इसमें। तो आप भी गरम मसाला डालो तो डालो, नहीं तो कोई बात नहीं, डाल सकते हो। तो देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी है ना, बहुत अच्छी लगती है। अब जब भी रोटी के साथ खाओ या किसी भात चावल के साथ खा सकते हो, कोई भी मेहमान आया तो आपके पास कोई सब्ज़ी नहीं है तो आज पापड़ की सब्ज़ी बनाकर आप ज़रूर देखिएगा, और झटपट बन जाती है। मेहमान आए तो पापड़ की सब्ज़ी बनाकर आप खिला सकते हो, बहुत ही जल्दी बन जाती है ये सब्ज़ी, आसानी से बनती है। तो देखिए हमारी सब्ज़ी रेडी है, अब ज़्यादा कुछ भी टाइम नहीं लगता है इसमें। बाय बाय। तो ये सब्ज़ी रेडी है, देखो मैंने इसे बर्तन में निकाल लिया है। तो देखो ये ऐसी बनी है ये सब्ज़ी, गरम गरम खाओ और अपने अनुभव सबको बताओ और सबको खिलाओ, बहुत अच्छी बनी है। देखिए ना तो इसमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा मसाले की ज़रूरत, बहुत आसानी से बहुत प्यारी बनती है। प्लीज़ कॉमेंट शेयर और लाइक कीजिएगा। बाय बाय।